Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Soumya and I post videos on makeup, beauty, fashion, DIY and lifestyle. So, आज की वीडियो एक व्लॉग होने वाला है जो कि मैं शेयर करूंगी नवरात्रि का फर्स्ट डे हमने कैसे सेलिब्रेट किया. सो आज का जो ये व्लॉग है ये नवरात्रि के फर्स्ट डे पे डेडिकेटेड है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का, तो इसके लिए सबसे पहले तो मंदिर ही साफ करते हैं. मैंने नहा के सब कुछ करके मंदिर साफ कर लिया है, सब कुछ सजावट कर दी है और पूजा भी हमने ऑलमोस्ट कर ही ली है. तो मैं आपको एक बार मंदिर का लुक दे देती हूँ, तो आइए चलते हैं. ये आप देख सकते हैं हमारी अखंड ज्योत, जिसके नीचे का सब कुछ डेकोरेट मेरे पापा ने किया है. और ये रहा कलश आम के पत्तों के साथ, नारियल के साथ. नीचे जौ है. ये रहे हमारे भगवान जी. और ये मैंने थोड़ी ऊपर माला से डेकोरेशन किया पापा के साथ. सो अब मम्मी शाम के प्रसाद के लिए कुछ बना रही हैं, तो आइए हम चलते हैं मम्मी किचन में. क्या बना रही हैं, क्या रेसिपी बना रही हैं, तो हम देखते हैं कि मम्मी क्या अच्छा अच्छा सा प्रसाद बनाती हैं. तो चलिए मम्मी के पास चलते हैं, अब देखते हैं हम कि मम्मी ने प्रसाद में क्या बनाया है, क्या चीज़ें बनाई हैं. मम्मी आज क्या बना रही हो आप? मैं बना रही हूँ माता रानी के प्रसाद, बना रही लौकी की बर्फी या लौकी का हलवा जो भी बन जाए बना रही हूँ. बहुत मन से बना रही हूँ. इधर देख के तो बोलो. बहुत मन से बना रही हूँ, बस अच्छा बन जाए. शाम का प्रसाद है ये? हाँ ये शाम का प्रसाद है. अभी जब पूजा करूंगी, आरती करूंगी तो ये प्रसाद चढ़ाऊंगी. अच्छा, पापा आएंगे तब पूजा करूंगी. शाम को आरती के टाइम? हाँ आरती के टाइम तब ये प्रसाद चढ़ाऊंगी. ठीक, दिखा देती हूँ एक बार प्रसाद. ये रहा हमारा प्रसाद जो बना रही हूँ मैं. तो ये लौकी की बर्फी बन रही है. टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. अभी शाम होने में भी टाइम है बहुत, इसलिए अभी तब बन जाएगा ये. हाँ लौकी की बर्फी बन रही है जो अभी प्रोसेस में है. शाम तक ये देखते हैं कैसी बनती है, फिर उसके बाद हम भगवान जी को चढ़ाएंगे आरती के टाइम, है ना मम्मी? हाँ भोग लगाएंगे, माता जी का भोग लगाऊंगी इसी का. आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो कुछ स्पेशल बनता था, तो इसलिए आज लौकी की बर्फी बनेगी. रोज बनता है, शाम को कुछ न कुछ बनता ही है. हाँ के लिए. तो अब मैं रूम में आ चुकी हूँ, तो अब मम्मी प्रसाद बना रही है. अब हम वेट करेंगे कि वो कैसा टर्न आउट होता है. मैं आपको दिखाऊंगी भी कि वो कैसा बनता है, मतलब लौकी की बर्फी या हलवा जो भी बन रहा है वो कैसा बनता है. और फिर शाम को पूजा के टाइम मैं आपको मिलूंगी आरती के टाइम, और उसी टाइम हम वो प्रसाद चढ़ाएंगे. और आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो आज मेरा भी फर्स्ट है और मम्मी पापा का तो रहता ही है पूरी नवरात्रि. मतलब चाहे वो 8-9 दिन की नवरात्रि जो भी होती है, वो पूरे नवरात्रि मम्मी पापा का फास्ट होता है. मेरा सिर्फ फर्स्ट और लास्ट होता है. तो आज हम सबका फास्ट है, तो शाम का जो भी नाश्ता होगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगी. तो स्टे ट्यून्ड. सो या नाउ इट्स टाइम फॉर आरती. अब हम आरती करने जाएंगे, तो देखते हैं मम्मी ने कैसी कैसी तैयारी करी है. आइए चलते हैं. तो शाम की आरती का टाइम हो चुका है और सब कुछ तैयारी हो गई है. जैसे आप देख सकते हैं सफाई वगैरह हो गई है. अब हम आरती करेंगे, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आरती के साथ. जग जननी जय जय, तू ही सत्य चित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा. जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अजय आनंद राशि. जग जननी जय जय, माँ जग जनता हरि हर संघर्षकारी. जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, तू विधि वधूर माँ तू माँ महामाया,
मूल प्रकृति विद्या तू तू जननी जाया जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जग जननी जय जय हम अति दीन दुखी माँ विपति जाल घेरे है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे जग जननी जय जय माँ जग जननी जय। तो या अब हमने आरती कर ली है, आरती के बाद अब मैं सोच रही हूँ क्या। अच्छा हाँ, आपको प्रसाद भी तो दिखाना था कि प्रसाद क्या बना है। हाँ मैं क्या बोल रही थी कि आपको प्रसाद दिखाना है। प्रसाद के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो लौकी का बर्फी या हलवा होने वाला है, जो भी टर्न आउट होता है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि जो भी वो बना है, पर बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। उसका शेप वगैरह पे मत जाना, पर वो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो लौकी की बर्फी जो कि आज शाम की आरती के लिए प्रसाद है। यही लौकी की बर्फी मम्मी ने बनाई है, तो हमने यही चढ़ाई है भगवान जी को। और प्रसाद चढ़ाने के बाद मैंने टेस्ट किया इसको, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसमें कुछ भी फूड कलर वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बर्फी बनी है। तो अब आरती करने के बाद हमने सोचा नवरात्र का फर्स्ट डे है तो मंदिर तो जाना ही चाहिए, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में। ये पास का ही मंदिर है, हम उसमें जा रहे हैं, फिर उसके बाद दर्शन करके फिर घर आएंगे। तो ये रहा मंदिर, मम्मी और मैं जा रहे हैं साथ में। पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये मेरे घर के बालकनी से व्यू है, आप देख सकते हैं रात में कितना प्रेटी लगता है, कितना सुंदर लगता है। हर तरफ छोटी छोटी लाइट्स दिखाई देती है, बहुत सुंदर लगता है। ये था नवरात्रि का पहला दिन जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने शेयर किया। और आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज़्यादा टाइम नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और सपोर्ट करिए। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी नवरात्रि टू एवरी वन आउट देयर। हैप्पी नवरात्रि।